हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पर डिस्कस करेंगे। 4.3 को डिस्कस करने से पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हमारे जन्म इक्वेशन होती है, इक्वेशन की जन्म फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, जिसको हमारे जो पुराने बुक है, हिंदी मीडियम की बुक है, उनमें क्या नाम है, उनमें उसको श्री दर आचार्य विधि, ठीक है, नाम दिया है। तो इसके फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है भाई। ये एक फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का, जहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इसको डिस्क्रीमेंट भी कहते हैं। ये होता है डी इक्वल टू, डिस्क्रीमेंट कहते हैं इसको, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको डिस्क्रीमेंट कहते हैं। इसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो इसकी थ्री कंडीशन होती है, जब हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो थ्री कंडीशन होती है। जब बी स्क्वायर, देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डिस्क्रीमेंट, ये लेस देन जीरो होता है। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेट होती है, तो इसके टू डिस्क्रीट रियल पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, रियल रूट रूट। जब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेट होता है जीरो से, तो हमें एक्स की टू वैल्यू फाइंड आउट होती है, जो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होता है जीरो के। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होता है जीरो के, तब टू इक्वल रियल पॉइंट, टू इक्वल रियल रूट। तब जो एक्स की वैल्यू होगी वो टू इक्वल होगी, टू इक्वल रियल रूट फाइंड आउट होंगे। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन होता है जीरो से, ठीक है, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। ये देखो ये कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने का। ये हमारे जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट होता है उसे ए कहते हैं, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसे बी कहते हैं, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसे हम सी कहते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ जो डिस्क्रीमेंट होता है, डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसे हम डिस्क्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि जो डी है वो जीरो से ग्रेट होता है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड आउट होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होता है, तो टू इक्वल रियल रूट फाइंड आउट होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता है, तो नो रियल रूट फाइंड आउट होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करने हैं। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है, तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिस्क्रीमेंट यानी कि डी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रीमेंट क्या है, यहाँ पे डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेते, देखो इस इक्वेशन में ए इक्वल क्या है, ए इक्वल है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ये है टू, ठीक है। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशियंट यानी कि माइनस थ्री,
और सी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 5। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे डिस्क्रीमेंट डी की में पुट करेंगे तो डी की वैल्यू डी इक्वल टू आएगा, देखो बी स्क्वायर बी क्या है -3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद में सी क्या है, सी है 5। इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -4 2 8, 8 5 40। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे, देखो सिंपल करेंगे तो ये 9 जो है वो प्लस के हैं और 40 ये माइनस के हैं, तो सिंपल करेंगे तो डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 31 किसकी -31। अब देखो डिस्क्रीमेंट यानी कि बी स्क्वायर -4ac क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ बी स्क्वायर -4ac ये क्या है -31 है, क्या है लेस देन जीरो है। ठीक है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो जीरो के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, नो रियल रूट। इसके यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट यानी कि रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी देखेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो, या फिर ऐसे लिख लेंगे सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। रियल रूट लिख दो या फिर ऐसे लिख दो एक लाइन में कि द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट।